खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। राज्य के इंटर कॉलेज में 4 दिवसीय विज्ञान उपचारात्मक प्रशिक्षण में बुधवार को भी प्रशिक्षकों ने शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए। विज्ञान विषय को रोचक बनाने के लिए उनके आसपास की वस्तुओं के विषय में विधिवत जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने कहा, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, उनकी जिज्ञासा को शिक्षक पहचाने और उसे सरल तरीके से समझाएं। GIC हरदोई व स्काउट भवन में जिला विद्यालय निरीक्षक VK दुबे ने पहुंचकर विज्ञान उपचारात्मक प्रशिक्षण देखा तथा उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षक अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए पठन पाठन में अपने दायित्व में बदलाव लाएं और लर्निंग आउटकम में प्रगति दिखाएं। उन्होंने कहा कि विज्ञान विषय एक व्यापक विषय, इसमें बहुत कुछ सीखना और समझने के लिए है। बच्चों के अंदर जो कठिनता का भ्रम है उसको उपचारात्मक शिक्षण देकर दूर किया जाए। जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी तरह हमको सीखना भी है और आगे और बेहतर करना है। मतलब आज जितना अच्छा कर रहे हो कल इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। बच्चों की जो हमारा जो जनरेशन गैप है वो भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि बच्चों की जो सीखने की जो टेंडेंसी है वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। इसका मतलब आप सभी स्मार्ट टीचर हो और सारे बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने के लिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है वो रेमेडियल टीचर, विज्ञान के बारे में रेमेडियल टीचर या उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि हर क्लास में हम 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटते हैं। ठीक है, उसमें जो बहुत तेज बच्चा होता है वो उसको आप बहुत अच्छा बोलते हो, भाई वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ही उसका लेवल लर्निंग लेवल जो है उसका बहुत हाई है। ठीक है, दूसरा उसके नीचे वाला जो होता है वो मीडियम का होता है। ठीक है, जो और एवरेज जिसको आप कहते हो सामान्य, और कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, मतलब सामान्य से भी नीचे होते हैं, तो उन बच्चों को हमें एवरेज पे लाना है, एवरेज वाले को और ऊपर लाना है हायर लेवल पर। ठीक है, तो जो ये इस उपचारात्मक शिक्षण से की तरह ही एक जैसे इसको हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, तो क्लास में जब 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया बच्चों को, 1-2-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जीनियस है, बहुत तेज बच्चे हैं, बीच वाला एवरेज है और जो नीचे वाला है वो बिलो एवरेज है, 3 श्रेणी में आपने बांट करके आपको पढ़ाना है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो हम एवरेज से रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे हैं। अगर 40 बच्चों में करीब 30 बच्चे एवरेज हैं, ठीक है, और उसमें 2 बच्चे एबव एवरेज हैं और 8 बच्चे बिलो एवरेज हैं, यही तो हुआ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह और आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।